प्रधानमंत्री जी, पहले से प्रणाम कर रहा हूँ। मैं एक वचन समर्पित कर रहा हूँ आपके लिए। आचार्य है स्वर्ग, अनाचार्य है नर्क। मतलब ही आचार तो स्वर्ग कर रहे हैं, अनाचार तो स्वर्ग नहीं जा रहा है। इसलिए ये साल आप साबित कर दिया पूरे विश्व को। इसलिए मेरा प्रश्न ही हो, आपके साथ में हम देश बढ़ रहा है, ये हम युद्ध क्या करना चाहिए आप बताइए। मुझे बताना पड़ेगा क्या युद्ध को क्या करना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा विषय है मेरा। आप देखिए कि हमारे देश में है 800 मिलियन 35 से कम आयु के लोग हैं। वे देश को बदल सकते हैं जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या हमारा कोई नौजवान है जो वोटर लिस्ट में उसका नाम ही रजिस्टर नहीं हुआ है? करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? 21वीं सदी में जो पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, उनको पहली बार इस लोकसभा में वोट देने का हक मिलने वाला है। और जैसे घर में बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तो परिवार में बड़ा उत्सव होता है, बड़ा विदाई समारंभ होती है, सब लोग जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, गरीब से गरीब भी टीका विका करके जाते हैं। मेरा मत है जो पहली बार मतदाता बनता है ना, उसका उत्सव बनाना चाहिए। युवकों ने सब दूर भाई, हम पहली बार मतदाता बन रहे, बड़े समारोह करने चाहिए। क्योंकि वो देश के एक निर्णायक पोजीशन पे आ गया है, वो देश का फैसला करने का हकदार बन गया है। अगर हम ऐसे कुछ चीजों को करें, डिजिटल इंडिया, हम चारों तरफ लोगों को प्रेरित करें कि भाई हम कैश करेंसी से बाहर निकल करके डिजिटल करेंसी के द्वारा पेमेंट करने की आदत डालें, बहुत काम हो सकता है। तो सेवा करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, मैं समझता हूं हमें करना चाहिए। धन्यवाद।